सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं सबसे पहले यह कहना मुनासिब समझूंगा कि मौला का मैं मशकूर हूँ और ख़ुद मौला का कि उसने ये मौका दिया कि जो आपके बस में आकर चंद बातें आपके सामने पेश करने की तौफीक मिली है। चूँकि मैं पहली मरतबा यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और ना आप ही के बस में चार साल भर तकरीबन है कि हाजिर हूँ, लेकिन चंद बातें आगाज़ आपके सामने करना चाहता हूँ। चूँकि मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकिल अभी हम पहली मजलिस से आ रहे हैं, वहाँ भी हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और ये बात हकीकत है, कोई एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह आपको नज़र आएगा कि चाहे कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ें होती हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही मज़हब का आदमी नज़र आता है, एक ही तरह के लोग होते हैं और वही उन्हीं से आप हम कलाम हो सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा दर है कि जिस दर में हर तरह के लोग नज़र आते हैं, आपको कोई एक मज़हब का नहीं मिलेगा, कोई एक फिक्र का नहीं मिलेगा, कोई एक मानने वाला कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो नज़र आए कि हम तनहा मुस्लिम हैं और मुस्लिम ही ऐसे दर पर नज़र आएगा, नहीं, बल्कि मुस्लिम भी नज़र आएगा, काफिर भी नज़र आएगा, हर तरह का आदमी आपको इस दर पर नज़र आएगा। क्यों नज़र आ रहा है उसकी कोई वजह होगी। मैंने इस आयत को आपके सामने पेश किया है, इस सूरह गाफिर की आय करीमा है, तकरीबन 60वीं आय करीमा, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है वकाल अल्लाह अदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। अल्लज़ीना यस्तकबरूना अन इबादतिही, वो लोग के जो तकब्बुर करते हैं और हमारी इबादत से दूर रहते हैं, सया अन करीब सैदखलूना जहन्नम दाखिरीन, उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मैंने आपके सामने पेश किया कि यहाँ हर ख्याल के लोग नज़र आते हैं, कोई एक ख्याल का नहीं है, कोई एक मजहब वाला नहीं है, तनहा मुसलमान नहीं है, तनहा मोमिन नहीं है, तनहा मुशरिक नहीं है, तनहा मुल्हिद नहीं है, तनहा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तनहा ईसाई अगर है तो वही यहाँ मौजूद है, नहीं, बल्कि हर फिक्र के लोग हैं। क्यों ऐसा है, क्या वजह है, किस वजह से यहाँ हर फिक्र के जो है लोग नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई सबक तो होगा। तो याद रखिएगा, हर मजहब में हर एक के मानने वाले के जिसने उसके उनकी मजहब को ईजाद किया या जिसने महफूज रखा, जिसने बचाया, उसके जहन में तन्हा उसके मजहब की फिक्र थी। बहुत तवज्जो दाने मोहतरम, एक अहम बात, उसके बाद अपने मौजू की तरफ, उसके जहन में तन्हा एक फिक्र थी कि हमें अपने मजहब को प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ाना है, तरक्की करना है, लोगों को सिखाना है, यानी इस्लाम क्या है। ईसाइत के राहिबों ने कदम बढ़ाया तो कहा, राहिबों का तरीका यह था यह बताना है कि ईसाइत क्या है। किसी ने अपने मजहब में जब आगे कदम बढ़ाना चाहा तो लोगों को यह बताया कि यह मजहब क्या है। लेकिन तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह करम था कि जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो तन्हा मजहब को ध्यान में नहीं रखा है कि मुसलमान क्या है, ईसाइत क्या है, धर्म क्या है। कहा देखो, हम कदम बढ़ा रहे हैं तो दुनिया के नजरों में तन्हा मजहब होता है, लेकिन हमारी नजरों में अगर कोई चीज है तो अल अम्र बिल मारूफ व अल अनिल मुनकर। हमारी नजरों में तन्हा लोगों को नेकियों की हिदायत करना है, राह रास्त बताना है, सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत की पहचान किसी एक मजहब से नहीं है, किसी एक मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता है, किसी एक इलाके से ताल्लुक नहीं रखता है, किसी एक सूबे से ताल्लुक नहीं रखता है। कहा क्यों, कहा इसलिए कि हमारे साथ अदल है, अदल यह फैसला करती है कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ गलत है, सच बोलना सही है, इस्लाम में किसी की मदद कर देना सही है, किसी को जुल्म पहुंचाना गलत है। जब ये समझ में आ गया और इस्लाम के एक ऐसे रहबर ने जिसे इमाम हुसैन कहते हैं ये पैगाम लेकर आगे बढ़े तो हर अक्लमंद जो था वो ये फैसला कर रहा था कि देखो अब मजहब को नहीं देखना है, अब ये नहीं देखना है कि किस मजहब का मानने वाला है, किससे ताल्लुक है, ये देखना है कि इसकी फिक्र क्या है, ये किस इरादे से निकला है। शायद यही वजह थी, अगर तन्हा इरादा इस्लाम को महफूज रखना होता तो आज इलाकों में सिर्फ मुसलमान
محمد وآل محمد لہذا جانے محترم یہ ہے درس حسین, یہ ہے مقام حسین, اور یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. شاعروں نے بہت فکر کی در حسین پہ, آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے, یقیناً مرکز اتحاد کا نام در حسین ہے. چونکہ آج ہم اور آپ ایسے در پر جمع ہوئے ہیں جو ایک غلام حسین کا در ہے, جو غلام حسین کے نام سے مصروف ہے. اور میں ان کے بارے میں کیا کلام کر سکوں گا, ہم جیسا خاکی بندہ. یہ تو ان کی توفیق ہے کہ جو ہم کو اس در پہ پہنچا دیا ہے. اگر میں اپنی زبان کو آب کوثر سے, نجس زبان کو پاک کر کے آؤں, پھر میں جو حق فضائل مولا عباس ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس باب ولا ہے, عباس باب المراد ہے, عباس زہرا کی دعا ہے, عباس تمنائے علی ہے. میں نے آیت پیش کی تھی, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. عباس تمنائے علی کا نام ہے. ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا کہ جس نے کچھ نہ مانگا, جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ مانگا, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ علی ہو, اگر اپنی زندگی میں کچھ مانگا تو نبی نے مانگا, تو علی کو مانگا. پوری زندگی میں ہر چیز نبی کو بغیر مانگے ملی ہے. ہر چیز, قرآن کی آیت ہوئی, نبی منبر پہ ہے قرآن کی آیت منبر پر, نبی صحرا میں ہے قرآن کی آیت صحرا پر, نبی بستر پہ ہے قرآن کی آیت بستر پر, نبی مسلح پہ ہے قرآن کی آیت مسلح پر, نبی مسجد میں ہے قرآن کی آیت مسجد پر, نبی سیڑھیوں پر ہے قرآن کی آیت سیڑھیوں پر, نبی جہاں جہاں پر ہے قرآن کی آیت وہاں نازل ہو رہی ہے. بھائی جہاں جہاں نبی ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے. نبی قرآن کی آیتوں کا محتاج نہیں ہے, آیتیں نبی کی محتاج تھی. جس نے اپنی زندگی میں بغیر کچھ مانگے ساری چیزیں پا گیا, اس کے لیے بھی خداوند عالم نے اعلان کیا, کہا دیکھو یا نبی اللہ تو نے کچھ نہیں مانگا, ہم نے سب کچھ عطا کیا, لیکن آج جو تجھے ضرورت ہے وہ ناصر و مددگار کی ضرورت ہے, تمہیں کچھ مانگنا پڑے گا. نبی نے اپنی زندگی میں کچھ مانگا تو اس کا نام صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا, نبی نے مانگا تو علی کو مانگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے دعائے نبی کا نام بنا علی. ایک مرتبہ علی جب دنیا میں آئے اور علی ابن ابی طالب نے دنیا میں کسی چیز کی تمنا نہیں کی, کسی چیز کی آرزو نہیں کی, کسی چیز کو نہیں مانگا, کسی چیز کو نہیں طلب کیا. جب کچھ نہ طلب کیا تو اس وقت ایک آرزو نظر آئی جو مولا کائنات نے کی. کہا کیا کیا؟ کہا ایک اولاد کی آرزو کی. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, بہت سی ہماری مائیں اور بیویاں آئی ہوں گی جو تمنا لے کر آئی ہوں گی. کس کی تمنا؟ اولاد کی تمنا لے کر آئی ہوں گی. ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے, ہر ایک کے دل میں آرزو ہوتی ہے. خدا ان کی دعاؤں کو مولا کے صدقے میں قبول فرمائے, خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. لیکن ایک مرتبہ ایک دعا کی جو میرے علی نے کی. کہا کیا کیا؟ کہا آرزو یہ تھی ایک بیٹا مل جائے کہ جو حسین کا ساتھی بنے, جو مددگار بنے. یعنی تاریخ نے پڑھ کر آواز دیا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا دو ایسے بے نیاز نظر آئے, ایک ذات کا نام ہے نبی, ایک ذات کا نام ہے علی, جس نے اپنی تاریخ میں کسی چیز کو طلب نہ کیا. اگر نبی نے طلب کیا تو علی کو طلب کیا. خدا نے بھیجا تو اپنے گھر میں بھیج کر بتایا کہ پہچانو دعائے نبی کیا ہے. اور اگر علی نے طلب کیا تو عباس کو طلب کیا, اور عباس کو حسین نے زبان چسا کر بتایا, کہا دیکھو دعائے علی کیا ہے. اب دونوں میں یہ نظر آ گیا, جسے نبی زبان چسائے وہ علی بنتا ہے, جسے حسین زبان چسائے وہ عباس بنتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے. لہذا جانے محترم یہ ہے ذات عباس, یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب. تاریخ نے دو منظر نقل کیے ہیں. جس جگہ پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہماری نظروں کے سامنے علم نظر آ رہا ہے. تاریخ نے دو ایسے منظر نقل کیے کہ جہاں کچھ علم لینے والے تھے اور کوئی علم دینے والا تھا. پہلا منظر
आपको पता है खैबर का मंजर कि जहां अलम देने वाला अपनी शान में सबसे बेहतरीन शख्सियत का मालिक था। दूसरा मंजर करबला का मंजर जहां अलम देने वाले की शान वही है जो खैबर में अलम देने वाले की शान है, और यहां खैबर में अलम लेने वाले की शान वही है जो वहां करबला में अलम लेने वाले की शान है। ना उसमें कोई फर्क है ना इसमें वही कोई फर्क है, यदि वहां भी अलम लेने वाला ऐसा है जैसा अलम लेने वाला यहां है, वहां भी अलम लेने वाला देने वाला ऐसा है जैसा अलम देने वाला यहां है। यानी इसका मतलब यह है उसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन तारीख ने लिखा कहा दोनों के मजमों में बहुत बड़ा फर्क था, दोनों के मजमों में बहुत बड़ा फर्क था। कहा वहां अलम देने वालों का जो मजमा था वो मजमा और है, यहां अलम देने जिसके बीच में खुद हुसैन अलम दे रहे हैं वो मजमा और है, वहां जो अलम दिया जा रहा है उसका मजमा ऐसा है कि जहां नबी पर दिमाग पर शक करने वाले भी हैं, वहां जो अलम दिया जा रहा है ऐसा मजमा है जो नबी को कलम से इनकार करने वाले भी हैं, वहां जो अलम दिया जा रहा है वह ऐसा मजमा है जो मैदान छोड़कर चले जाने वाले भी हैं, लेकिन वहां जो अलम दिया जा रहा है वह ऐसा मजमा है, या मैं तारीख का एक जुमला नकल करूं, वहां कुछ मर्दों के लिबास में नाबंद भी है जो अलम दिया जा रहा है, लेकिन जो यहां अलम दिया जा रहा है वह हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसी शख्सियत है, वहां अन मोहम्मद जैसी शख्सियत है, वहां मुस्लिम जैसी शख्सियत है, या ऐसे मुस्लिम मुस्बिने असजा जैसी शख्सियत है, वहां ऐसी ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में खुद हुसैन कह रहे हैं जैसे सहाबी हमको मिले ना मेरे नाना को मिले ना मेरे वालिद को मिले ना मेरे भैया हसन को मिले। या इसका मतलब यह है वो मजमा और है, यह मजमा और है, मेरे मौला अली, ऐ मेरे मुत्ता, ऐ मेरे मौला अली, ऐ मेरे मालिक सलसबील, ऐ मेरे मालिक कौसर, ऐ मेरे मुशहल्लाल मुश्किलात, ऐ मेरे सब दुनिया को अता करने वाले, दुनिया के मुश्किलात को दूर करने वाले, ऐ तमाम दरियाओं में रवानी पैदा करने वाले, ऐ मेरे मौला, ऐ आदम की तौबा को कबूल करने वाले, ऐ मेरे मौला, ऐ याकूब की बिनाई को रोशनी देने वाले, ऐ मेरे मौला जो यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी अता करने वाले, मूसा को दरिया पार कराने वाले। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जुमला कहूं या ना कहूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बेटे की फजीलत है, आप जरूर मसरूर होंगे। क्या वहां मजमा अलग है, यहां मजमा अलग है? जहां आपके बेटे को अलम मिला वो मजमा और है, जहां आपको अलम मिला वो मजमा और है। भाई इतना याद रखिएगा कि पत्थरों के बीच से हीरे का निकलना और है, हीरों के बीच से हीरे का निकलना और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिह। पत्थरों के बीच से हीरे का निकलना और है, और हीरों के बीच से हीरे का निकलना और है, इसलिए कि वो ऐसा मजमा था जिसमें हर तरह के लोग थे जो एक फिक्र के नहीं थे, और यहां ऐसा मजमा है जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा है। ये है मेरे मौला की फजीलत, ये है मेरे मौला का रुतबा। और आपको पता है अगर कोई इंसान आज दुनिया में मसलन कोई अफ्रीका चला जाए, अफ्रीका जाकर वहां ऐसे मजमे में रहने लगे कि जहां मसलन ज्यादातर स्याह किस्म के लोग रहते हैं और आप अपनी तरह के हैं, वहां पहुंचेंगे तो आप वहां पे आप सबसे हसीन नजर आएंगे, सबसे ऐसे नजर आएंगे कि मसलन आपका हुस्न उनके बीच सबसे आला होगा। तो ऐसी जगहों पे अगर हुस्न जाहिर हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि हकीकत हुस्न के बाजार में हम नहीं गए। अब मौला का हुस्न पहचानिए, अब्बास कहते किसे हैं, जिसके दर पे बैठे हैं उनका फैज और कमाल क्या है। जब मौला अब्बास निकलते थे तो अल्लामा मजलिसी और तबरी ने रौज़तुल अहबाब में लिखा है कि जब निकलते थे मौला अब्बास तो खुद मौलाए कायनात की सख्त तनकीद थी कि आप अपने चेहरे को बंद करके निकलिए, नकाब, और जब निकलते तो कोई देख नहीं पाता था, लेकिन जब भी निकलते थे तो हर मदीने वाला शख्स निकल के कहता था कि अब्बास जा रहे हैं, जमाल अब्बास, हुस्न अब्बास, हर तरह के नारे लगते थे, लोग हुजूम दर हुजूम खड़े रहते थे ताकि जमाल अब्बास देख सके। मुझे समझ में नहीं आता है
कि अगर मैंने कहा ना अफ्रीका जैसे मजमे में अगर कोई ऐसा हसीन और जमील चला जाए तो वहां तो समझ में आता है कि ऐसे मजमे में गया जहां किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मदीने में जहां के लोग खुद रसूल को देख चुके हैं, जमाले रसूल देख चुके हैं, कमाले रसूल देख चुके हैं, रसूल के बाद मौलाए कायनात को देख चुके हैं, वहां के लोग हसन को देख चुके हैं, जमाले हसन का मुजाहरा कर चुके हैं, अब ऐसे मजमे में मौला अब्बास निकल रहे हैं, तो देखने वाले ताज्जुब के साथ मौला अब्बास को देख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं वारे जमाले अब्बास, वारे कमाले अब्बास, मुझे समझ में नहीं आता है। तो शायद यही वजह थी कि अब्बास जब वहां से निकल गए थे लोगों ने ऐलान करके बताया कि दुनिया पहचाने जमाले अब्बास क्या है, कमाले अब्बास क्या है। क्यों? इसलिए अगर कोई इंसान कालों में गोरा बन जाए तो उसके लिए कोई आला होने की दलील नहीं है, लेकिन कमरों के बीच में कोई कमर बनी हाशिम बन जाए तो यह दलील फजीलत बन जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, यह दलील फजीलत बन जाती है। लिहाजा हम और आप आज आलम की ज़ियारत कर रहे हैं, मौला के आलम से दुआ कर रहे हैं। खुद खुदावंद आलम कहता है अदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। दुआ करके तो देखो जिसके दर पे दुआ करना चाहिए, किसके जगह पे जाकर दुआ करना चाहिए। किसी ऐसे से मांगने से क्या फायदा जो अगर शायद आपको दे दे लेकिन पूरे इलाके में ऐलान करता फिरे कि हमने इनकी ये मदद की थी, हमने इनकी ये मदद की थी, हमने ये दिया था, हमने ये किया था, हमने इस वक्त किया था। यानी इसका मतलब ये है, ये जो ऐलान करता हुआ जा रहा है इसके मदद करने का कोई फायदा नहीं है। शायद इसका ताल्लुक किसी ऐसे नस्ल से है कि जिसने शोहरत के लिए मकाम हासिल करने की कोशिश की हो, जिसने शोहरत के लिए मकाम चाहा हो, अब ना देखा हो आया ये मकाम मकाम अहले बैत है, ये कुर्सी कुर्सी अहले बैत है, ये अहले बैत की जगह है या किसी और की जगह है। जब ऐसों ने ये ना देखा कि किसकी जगह है तो गस्ब करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, और लूटते लूटते इस कदर पहुंच गए कि अब अहले बैत के मकाम पर बैठकर अब ऐलान करते हैं कि वो तो हम जैसे हैं, वो तो हम जैसे हैं। यार इसका मतलब यह है अब ताल्लुक ऐसे दर से न करना पड़ेगा, अब किसके दर पे जाए कि जहां से हमारी इज्जत भी महफूज हो, जहां हम भी महफूज हो और हमारी मुश्किलात भी हल हो जाए, हमारी परेशानियां भी हल हो जाए। जब हमने देखा तो तारीख ने एक दर लिखा कि जिस दर पर तरह इंसान नहीं जाते हैं बल्कि फरिश्ते भी पहुंचते हैं। फरिश्ते कभी मिस्कीन बनते हैं, कभी यतीम बनते हैं, कभी असीर बनते हैं, और बनकर अपने हाथों को फैलाकर यह तन्हा दुनिया को नहीं बता रहे हैं बल्कि ऐलान कर रहे हैं आने वाली नस्लें देख ले कि यह वैसा दर है कि जहां देने वाला करोड़ों में लुटा देता है लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसलिए कि आपको इल्म है कि वहां देने वाले खुद मौलाए कायनात का तरीका था कि जब देते थे तो अपने चेहरे को दरवाजे के पीछे करके उसके बाद हाथ बढ़ा कर देते थे। खुद इमाम हुसैन के लिए लिखा कि एक साइल आया, उसने तलब किया, इमाम के पास तकरीबन 2000 अशरफियां थी, लेकिन इमाम फिर भी अंदर गए और जाने के बाद दरवाजे के पीछे जाकर उसके बाद हाथों को बढ़ाकर दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत माजरत मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। सोचिए तस्वुर का मकाम है, हम और आप 10 रुपए देते हैं तो 10 जगह कहते हैं, 10 जगह ऐलान करते हैं कि हमने फला की मदद की है, हमने फला को दिया है, फला की इमदाद की है। भाई आप सोचिए, तस्वुर कीजिए कि हम कितने जगह पर, किस जगह पर बैठे हुए हैं, किससे ताल्लुक लगाए हुए हैं, किसका नाम लेकर खा रहे हैं, किसके जरिए से अपनी मुश्किलात को हल कर रहे हैं। एक ऐसा पैगाम है वाकई, आप हम और आप खुद सोचे तस्वुर करें कि अगर हम और आप का ताल्लुक दरे अहले बैत से है तो पहले अपने अंदर किरदार अहले बैत पैदा करें, उसके बाद ऐलान करें कि हम अहले बैत के चाहने वाले। पहले हम किरदार पैदा करें, अपने आप के अंदर ऐसी चीजें लाएं। अगर हम और आप तो सबसे पहले मुश्किलात के वक्त दूर भागते हैं,
अरे मुश्किल आ गई, अपने रिश्तेदारों से दूर, खानदान वालों से दूर, कराबत वालों से दूर, क्यों दूर जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी परेशानी दूर करना पड़ जाए, जबकि हमारे पास पैसा है और अपनी शोहरत के लिए हमने अय्याशियों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और बैठ कर ऐसे मकाम पर कहते हैं अरे हम वहां गए हुए थे, वहां बैठे हुए थे और ये किए और ये किए वो किए, 50 तरह की बातें। आप सोचिए ये जो बातें कर रहे हैं, जो पैसे हम खर्च करके आए हैं, इसमें कोई फायदा है या 10 रुपए किसी फकीर को दे रहे हैं उसमें कोई फायदा है? यकीनन तसव्वुर का मकाम है। आज जिस तरह पे बैठे हुए हैं, इसने हर एक की मुश्किलात को दूर किया है, हर एक की परेशानी को दूर किया। आज शबे जुमा का वक्त आने वाला है, शबे जुमा में अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, ये अलम हम और आप जो ज़ियारत करते हैं, जिससे दुआएं तलब करते हैं, इसका क्या मकाम है? शबे जुमा में अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि खुदाबंद आलम जिब्रील अमीन को भेजता है और जिब्रील अमीन आकर खाने काबा पर अलम नस्ब करते हैं, अलम नस्ब करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ताज्जुब हुआ, ये अलम नस्ब क्यों कर रहे हैं? खाने काबा, आपकी जाहिर चीज के लिए मैं इजहार कर दूं, खाने काबा खुद इमारत है, ये आजा खाना जहां हम बैठते हैं, जहां मजलिस करते हैं, जहां मकाम करते हैं, जहां मातम करते हैं, उसका क्या मकाम है? जरा आप फजीलत को समझिए। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि आलम नस्ब होता है, खाने काबा खुद एक इमारत है, इमारत के ऊपर काला कपड़ा है, माना काला कपड़े के ऊपर अलम नस्ब हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये खुदा बंदे आलम शबे जुबा खाने काबा को जिब्रील अमीन के जरिए से काबा बनवाने भेजता है या आधा खाना बनवाने भेजता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद खुद अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि खुद हम और आप जिस इमाम के मानने वाले हैं, जिसके दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके मुंतजिर हैं, इमाम जमाना के मुंतजिर, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि इमाम जमाना के सामने हर वक्त अलम नस्ब होता है, हर वक्त, और इमाम उस अलम की तरफ देखते रहते हैं। ये अलम मामूली ना समझिए इसको, इसको मामूली तसव्वुर ना कीजिए। अलम इमाम देखते रहते, इमाम ज़ियारत करते रहते, हम और आप जैसे ज़ियारत करने के लिए यहां आए हैं, इमाम भी हमारा इमाम वही अमल करता रहता है, उसको देखता रहता है। अब आप हमसे, बहुत लोगों ने सवाल किया कि अलम हमें देगा क्या, अलम हमें देगा क्या? हम अलम से दुआ मांगते हैं, अलम से अपनी तमन्नाएं तलब करते हैं, अलम की बारगाह में जाकर अपने मुश्किलात को बयान करते हैं, अलम हमें क्या अता करेगा? अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि अलम हर वक्त इमाम जमाना के खिदमत में होता है, इमाम जमाना ज़ियारत करते रहेंगे, जिस वक्त कयाम का वक्त करीब आएगा उस वक्त यही अलम होगा, यह हम कलाम होगा, और उसके बाद कहेगा ऐ कायम उठो और उठकर कयाम करो, और इस अलम में आवाज पैदा होगी तो मुझे कहने दीजिए जिस अलम में इतनी ताकत है कि अपने कलाम के जरिए से इमाम वक्त से हम कलाम हो सकता है, तो वो अलम हमारी दुआओं को भी मुस्तजाब करा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी दुआओं को भी मुस्तजाब करा सकता है, ये अलम का पैगाम है। अलम आज दुनिया ये तसव्वुर करती है कि अलम का वजूद यानी नया वजूद है, अभी आया है, अलम पुराने जमाने में नहीं था। तो शायद आपके बच्चों के लिए मैं बात बयान कर दूं, जिस वक्त कुरान का वजूद नहीं था जाहिरन, उस वक्त अलम का वजूद था। तारीख ने बाकायदा लिखा है कि जिस वक्त हजरत आदम दुनिया में आए और आने के बाद हाबिल और काबिल दो फर्जंद, हर एक को पता है, काबिल को हाबिल, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद जनाब शीश की पैदाइश हुई। अब ओहदा नबूवत जनाब शीश के पास आई। हर दौर में ओहदा लेने के लिए हर आदमी आगे बढ़ता है, ये नहीं देखता उसके लायक है कि नहीं है, ये हर दौर का वह है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे ही दौर में। ओहदा लेने के लिए आगे बढ़े, उसके बाद अपना लश्कर लेकर चले। इधर काबिल के पास तरह तरह के हथियार, तरह तरह के जो जमाने के हथियार थे लेकर चले, और चलने के बाद चलते हैं देखते हैं कौन है जो हमारे मुकाबले में आ सकता है, ताकत है। और उधर से जो हाबिल चले वो अलम लेकर चले,
तारीख ने लिखा है जुमला, उधर से हाबिल चले तो कलम लेकर चले, और इधर से काबिल चलता है तो तलवार के साय में चलता है, तलवार लेकर चलता है, हथियार लेकर चलता है, जो कुछ भी उस जमाने में था वो अपने साथ लेकर चलता है और उसके बाद मुकाबले के लिए निकलता है। तो याद रखिएगा वो कौन है, एक काफिले का नाम है कातिल का काफिला, एक का नाम है मक्तूल का काफिला, एक जालिम है एक मजलूम है। अब आप देखिए तारीख क्या लिखती है, जो कातिल के लोग थे वो हथियार लेकर चल रहे हैं, असलहा लेकर चल रहे हैं, उनके नजरों में हथियार सब कुछ है, उनकी नजरों में ये असलहा सब कुछ है, लिहाजा वो काफिला चल रहा है। तो याद रखिएगा ये कानून तन्हा आज के जमाने का नहीं है, बल्कि पहले ही जमाने में ये कानून बन चुका था कि जिन कामों के हाथों में अलम होगा तो उससे पहचान लगाना, जो मजलूम के काफिले को पहचानना चाहते होंगे, जो कातिल के काफिले को पहचानना चाहते होंगे, जो मक्तूल के काफिले को पहचानना चाहते होंगे, तो इतना फर्क देख लेना कि जिनके हाथों में अलम होगा वो जालिम नहीं मजलूम होंगे, और जिनके हाथों में हथियार होगा वो जालिम का काफिला होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तारीख आलम लिखती है, आलम है क्या चीज, आलम से हम और आप मुस्तजा होते हैं, आलम से दुआ करते हैं। तारीख लिखती है कि अरब के उस जमाने में जब लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, चलने के लिए परेशानियां दुश्वारियां तरह तरह की चीजें पेश आती थी, उन परेशानियों में क्या किया जाए, लोगों ने एक चीज निकाली, एक तरकीब निकाली। क्या वो तरकीब क्या है, ऐसा करते हैं कि आलम बनाते हैं, ये जो शक्ल हम देखते हैं अलम की, अलम बनाते हैं, और उसके बाद अपने ऊंटों के सामने जब रेत उड़ेगी तो उस रेत से हिफाजत के लिए हम इस अलम को आगे कर देंगे। अक्सर तारीखदान इस बात को पढ़े होंगे कि इस अलम को आगे कर लेंगे। अलम की खासियत ये होती थी, हवा चलती तो जरूर थी, आज हर जगह पे हर छोटे छोटे कौमों के लिए छोटा सा परचम बन गया है, वो जो मुल्की पैमाने पे, मैं उसकी बात नहीं करता, वो भी ऐसे ही कुछ है, जब वो परचम होता है तो हवा चलता है तो वो परचम मुड़ने लगता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, यार ये हवा के रुख पर परचम बदलता रहता है, कभी इस सिम तो कभी उस सिम। लेकिन आलम की खासियत क्या है, खासियत आलम को पहचानिए, कहा जो परचम होता है वो हवा के रुख पर बदलता रहता है, कभी दाहिने जाता है कभी बाएं जाता है, यानी वो हवा के रुख को मोड़ नहीं पाता है, तना हवा के बल पर चलता रहता है। लेकिन जो आलम होता है वो हवा को तकसीम करता रहता है, कभी इधर करता है कभी उधर करता है। तो अब समझ में आ गया, जिसके हाथों में आलम होगा वो मुश्किलात में बिखरेगा नहीं, बल्कि तरह आलम के साय में चलकर बताएगा कि हम इमाम सवारा के चाहने वाले हैं। चलो रात पड़े मोहम्मद वाले। अलम है क्या चीज, अलम उसे कहते हैं कि जिसे मेरे मौला पास ने उठाया, अलम वो अलम है कि जिसके लिए वो अफराद जो आज तरह तरह के फतवे लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उन्होंने भी शबे शब में नमाज शब पढ़कर दुआ की, परवरदिगार कल अलम मुझे मिल जाए। ये है तारीख अलम। यकीनन मेरे पास वक्त नहीं है कि जो मैं आपकी खिदमत में अलम के इससे कुछ ज्यादा बातें कर सकूं, इसलिए कि बहुत सी बातें हैं जो अलम के लिए खुद उलमा ने लिखा है और खुद आइमा मासूमीन का तरीका रहा है। किसी भी जंग में आप जाएंगे पढ़ेंगे तो अलम साथ रहता था, और उस वक्त तक वो जंग लड़ने वाले कामयाब रहते थे जब तक अलम कायम रहता था, जब तक आलम बुलंद है। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो लड़ रहे हैं ये अभी कायम हैं, इनके पास अभी ताकत है, इनके पास अभी बल है, इनके लोग अभी बचे हुए हैं। ये आलम दलील बनती थे इंसान के फतह होने की, और हमने देखा है कि जंगों में इंसान तो मर जाता था लेकिन कभी कभी आलम खड़ा रहता था। ये क्या है, ये इसकी शान शौकत है, या इसके एतवार के लिए इसकी बुलंदी के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि तारीख इस्लाम ने अलम को बहुत बड़ा मियार दिया है। आज हम और आप
जो यहां बस्ती में जमा होते हैं, हर फिक्र के लोग हैं। वही बात जो मैंने शुरू की, हर फिक्र के लोग हैं। एक शख्स था कि जो किसी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, खैर मुस्लिम, वो हमेशा जब भी जाता था तो उसके सामने से दरगाह गुजरती थी और वहां आलम नस्व था। जब भी सुबह सुबह काम के लिए निकले तो सबसे पहले छुपकर सलाम करता था, उसके बाद चला जाता था, वापस शाम में पलटे उसी रास्ते से आता था, फिर झुकता था, सलाम करता था, चला जाता था। सोचिए, हमारे किसी मजहब से ऐसा नहीं है कि हमारे मजहब में था, नहीं, बल्कि खुद गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाला, जाता था, सलाम करता था, चला जाता था। जब वो मर गया, इस दुनिया से गुजर गया, हर एक को जाना है, जब वो गुजर गया, वो वक्त आया रोज़े महशर, तो एक मर्तबा उसे बुलाया गया, उसके नामे आमाल उसके हाथ में रखे गए, कहा जाओ तुम्हारा ठिकाना उस तरफ है, जाओ वहां चले जाओ। अब जब वो जाने लगा, जहां आग थी हर तरफ, देखने लगा उस तरफ, जा ही रहा था कि उसने एक नजर बिठाई, क्या देखा कि उसको नजर आया कि एक परचम है कि जो हाँ यहां कड़ा हुआ है, क्योंकि उसका एक तरीका था। हम और आप बाज चीजें देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बाज ऐसे अकीदतमंद हैं कि जो हुसैन के दर पर आते हैं और अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने आप को उनके दर पे गुलाम बनाते हैं। वो जैसे ही वहां देखता है, जा तो रहा था आग की जानिब, लेकिन जैसे ही परचम को देखा, एक मर्तबा झुक कर सलाम करता है, मौला आका आपको मेरा सलाम हो। ये रविश ऐसा नहीं थी कि तन्हा वहीं के लिए थी, नहीं, दुनिया में यही करता था, सुबह उठा तो सलाम किया, शाम को उठा तो सलाम किया, उसी आदत की बिना पर वहां भी आग की तरफ जाते हुए सलाम करता है। जैसे ही सलाम किया, फौरन अभी आगे बढ़ रहा था कि आवाज आई फरिश्ते को कि इसको रोक लिया जाए, इसको रोक लिया जाए। एहतराम अलम क्या है, अलम का एहतराम क्या है। अब जैसे उसको रोका गया, कहा मौला क्यों रोक रहे हैं, इसके नामे आमाल में नमाज नहीं है, इसके नामे आमाल में रोजा नहीं है, इसके नामे आमाल में इस्लाम नहीं है, आप इसे रोक क्यों रहे हैं। कहा नहीं नहीं, इसके नामे आमाल में इस्लाम नहीं है, इसके नामे आमाल में नमाज नहीं है, इसके नामे आमाल में रोजा नहीं है, लेकिन इसके नामे आमाल में एहतराम हुसैन इब्ने अबी तालिब है। अब जैसे देखिए, हुसैन से तवस्सुल रखने वालों का क्या हो सकता है, आप ये ना सोचे ये कोई मामूली शय है, नहीं, ये वो है कि जिनकी सरदारी जन्नत पर है, ये वो है कि जिनकी हुकूमत जन्नत पर है। हम और आप थोड़ी सी जब हुकूमत पा जाते हैं तो हमसे बड़ा तकब्बुर रखने वाला, हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं होता है, लेकिन हुसैन उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि जो गरीबों को गरीब नहीं समझते, जो फकीर को फकीर नहीं समझते हैं, बल्कि अपने जैसा तसव्वुर करके उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो गुलामों को अपने साथ दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाता है, चाहे वो हबशी गुलाम हो, चाहे जिस जगह से ताल्लुक रखने वाला हो। अब जैसे उसको बुलाया, फरिश्ते ने कहा मौला इसके नामे आमाल में कुछ भी नहीं है। कहा ठीक है, ये बताओ इसके नामे आमाल में कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अख्तियार क्या है, मेरा अख्तियार क्या है, क्या मुझे शफात का हक है कि नहीं है। कह यकीनन मौला आप हक शफात रखते हैं। एक मर्तबा उसी नामे आमाल के नीचे लिखा, अल्लाहुम्मा गफिर बिहक्किल हुसैन इब्ने अली, खुदाया इसको बख्श दे हुसैन इब्ने अली के सदके में। अब जैसे ही इस इबारत का लिखना था, अब दरबान जो उसे आग की जानिब ले जा रहा था, वही दरबान उसे जन्नत की जानिब ले जा रहा है। मैं कहूंगा हाथों को जोड़कर, मौला इसके नामे आमाल में तो कुछ नहीं था, यह कैसे बख्श दिया गया। का याद रखो, इतना याद रखना, नमाज पढ़ने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, हज करने वाला हो, अगर उसके नामाए आमाल में मेरी मोहब्बत नहीं है तो उसका आमाल बर्बाद हो जाएगा। कहा क्यों, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद का नाम है विलायत, अगर विलायत ना हो तो नामाए आमाल बर्बाद, और अगर मोहब्बत अहले बैत हो तो अल्लाह चाहेगा तो अहले बैत के सदके में बख्शवा देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये है मकाम अहले बैत। इसलिए कि कोई भी हो,
किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी सिंफ से ताल्लुक रखता हो, हमारे इस्लाम ने, हमारे कानून ने जिसे हमें और आपको मरकज़े इत्तेहाद पे लाकर रखा है, जिसके हम और आप मानने वाले हैं, जिसलिए हम फख्र करके बताते हैं कि हम हुसैन के चाहने वाले, हम फख्र करके बताते हैं कि हम अब्बास दिलावर के चाहने वाले हैं, हम फख्र करते हैं कि हम अली इब्न अबी तालिब से दर के ताल्लुक रखने वाले हैं, हम अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो जैसा फख्र करते हैं वैसा किरदार पेश कर, खुद को ऐसे सवारे कि दुनिया से यह बताने की जरूरत ना पड़े कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। दुनिया आपका किरदार देखे और यह ऐलान करती हुई नजर आए कि यह अहले बैत का चाहने वाला है। ऐसा नहीं है कि सलमान को जो सलमान और मिन्ना अहले बैत का लकब मिला, आज दुनिया कहती है कि जो उनके घर से ताल्लुक रखने वाले हैं वही मोतबर है। ऐसा नहीं, बल्कि सलमान को खुद रसूल अकरम ने सलमान और मिन्ना अहले बैत का लकब देकर बताया, कहा याद रखो यहां नसब की शर्त नहीं है बल्कि यहां किरदार की शर्त है। अगर कोई गैर भी आ जाएगा और अहले बैत के दर से ताल्लुक रखेगा तो हम उसकी इज्जत को बढ़ाने वाले। वक्त में गुंजाइश नहीं है, ये आलम की फजीलत है, ये मकाम अहले बैत है। हम जिस दर से ताल्लुक रखते हैं उसने हमें हमेशा सब कुछ अता किया है। ऐसे एक ज़ैफा थी कि जो हमेशा मौला के, अभी मुहर्रम करीब है, हम और आप अपने घरों पर सफ़े आज़ा बिछाने वाले हैं, हर आदमी याजू रखे हुए, खुदाया इस मुहर्रम में सही तरीके से हमें मुहर्रम करने की तौफीक इनायत फरमा। यकीनन हम और आप सफ़े अज़ा बिछाते हैं, उस अहले बैत का मातम करते हैं, उसका गम मनाते हैं, उसकी याद को ताज़ा करते हैं। हाज़िज़ों ऐसे एक ज़ईफ़ा थी कि जिसका एक बेटा था, हर मुहर्रम की आठ तारीख को हम और आप जैसे अलम निकालते हैं ना, वैसे ही अलम निकालता था, बड़ी शान शौकत से अलम निकालता था। हमारे घर में भी हमारी माओ की तमन्ना होती है कि हमारा बेटा अलम निकालेगा। उस तमन्ना के लिए बहुत सी माएँ ऐसी होंगी जिसने मन्नत माना होगा कि खुदाया मुझे एक बेटा अता कर कि जो मौला अब्बास का अलम निकाले। हाँ अज़ीज़ो, खुदा हर माँ की तमन्ना को कबूल करे। एक माँ की तमन्ना थी एक बेटा हुआ, बेटा जो है वो हर आठ मुहर्रम को मौला अब्बास का अलम निकालता था, लेकिन हाँ अज़ीज़ो इत्तेफाक से मसलहत खुदाबंदी हुई, वो बेटा उस साल इस दुनिया से रुखसत हो गया। ज़ईफ माँ बिलखती थी, रोती थी, गिरिया करती थी, मातम करती थी, हमेशा अपने बेटे को याद करती थी। एक मरतबा सफ़े अज़ा बिछाकर वो ज़ईफ़ा गिरिया कर रही थी, चंद अतराफ वाले आए, आने के बाद कहते हैं ज़ईफ़ा क्यों रो रही हो, क्यों गिरिया कर रही हो, परेशान ना हो, हम अलम उठाएंगे, हम लेकर निकलेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम पैसों का इंतजाम करेंगे, हम सफ़े अज़ा बिछाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रही हो। एक मरतबा ज़ईफ़ा ने तड़प कर आवाज दिया, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं, इस सफ़े अज़ा कैसे बिछाऊंगी, मैं इसलिए परेशान हूं कि हर साल मेरा बेटा मौला का अलम लेकर निकलता था, हाय अफसोस मेरा बेटा इस साल नहीं होगा। हज़रत मुल्ला खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। हाँ अभी तो जैसे वो ज़ईफ़ा रो रही थी, दस दिन सफ़े अज़ा बिछा, नौहा और मातम हुआ, गिरिया हुआ, गिरिया होने के बाद जैसे नतीजा तमाम हुआ, एक मरतबा उस ज़ईफ़ा को अपनी बेटी की फिक्र हुई, बेटे की तलाश में कब्र पर पहुंची। अब कब्र पे क्या देख रही है, एक ज़ईफ़ा है जो बैठ कर क्रिया कर रही है, मातम कर रही है। अरे मातम करते जब देखा, एक मरतबा ज़ईफ़ा ने कहा, ए ज़ईफ़ा, ए मोहतरमा, आप कौन है, शायद आपको इश्तबा हो गई, शायद आपको गलती हो गई, ये तो मेरे बेटे की कब्र है, मैं 12 दिनों तक हुसैन पर क्रिया कर रही थी, हुसैन पर रो रही थी, इसलिए अपने बेटे की कब्र पर ना सकी। अरे मेरे बेटे की कब्र है, जा तुम्हारा अजीज
कोई और होगा। और एक मर्तबा उस मोहतरमा ने उसे देखा, कहा ए ज़ईफा तुमने पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि हुसैन की तुकिया फातिमा हूं। तुम मेरे बेटे पर क्रिया कर रही थी, मैं तेरे बेटे पे क्रिया कर रही। अल्लाह हाफिज़, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम कर्बला के। आज हम और आप अलम की ज़ियारत कर रहे हैं, हाफिज़ो एक रवायत और आपकी रहमत को तमाम कर दूंगा। हाफिज़ो जैसे ही वक्त आखिर आया, एक मर्तबा मेरे मौला ने आवाज बुलंद की, अरे सैयदो शोदा हुसैन मज़लूम। एक मर्तबा मौला के पास पहुंचे, हम मौला को देखा, एक मर्तबा करीब पहुंचने के बाद मौला के सर को अपने जानू पे रखते हैं। मौला अपना सर हटा लेते हैं, जानू पर रखते हैं, फिर हटा लेते हैं, जानू पे रखते हैं, फिर हटा लेते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने तड़प कर कहा, अब्बास ए अब्बास, मैं हुसैन हूं जो तुम्हारे सर को अपने जानू पे रख रहा हूं। अरे तड़प कर मौला आवाज देंगे, अरे मेरे आका आज आप हैं जो मेरे जानू पे अपने सर, मेरे सर को अपने जानू पे रख रहे हैं। लेकिन आयर असर का अंगाम होगा, आपका सर करबला के चलते जमीन पर पड़ा। हज़रतुल्लाह हाफिज, खुदा आपको कोई गम न दे। हाफिज, एक मर्तबा आखिरी मर्तबा मौला कहते, मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी तूने मुझे आका कहा है, अब आखिरी लम्हे में मुझे भैया कहकर पुकारिए। अब भैया का सुनना था, एक मर्तबा अब्बास ने हाथों को जोड़ा, अरे मां ने रोका था कि हुसैन आका है, भैया कह के न पुकारना। लेकिन हाय मज़लूम, एक मर्तबा हुसैन के पास कहते हैं, आप इमाम वक्त है, आपका हुक्म है, इसलिए मैं एक मर्तबा भैया कहता हूं। अरे जैसे ही भैया का लफ्ज निकलना था, भैया का लफ्ज निकला, एक मर्तबा मौला की रूह कुफ से उनसरी से प्रवास कर गई। मैं कहूंगा आका ए मेरे बाबुल आवाज, ए दुनिया की मुरादों को सुनने वाले, अरे आपकी रूह तो निकल गई, जरा खयाम हुसैनी में देखिए, जरा बीबियों को देखिए, अरे आप थे अशकिया के अंदर ताकत न थी जो खैमे तक आ सके। आए आपके बाद किसी ने समी ककीना को तमाचा मारा, किसी ने बीबियों की रदाए चीनी, किसी ने खयाम हुसैनी में आग लगा दी। मोहम्मद का वास्ता हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमाओ।